समस्ते नगे समस्ते। हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुकन्या आपको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुकन्या काव्या दिव्या में। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे गांव के मंदिर से। तो मंदिर से स्टार्ट करने का क्या खास चीज़ है, तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में मैं कर रही थी 21 वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही थी, जो कि फ्राइडे को होता है। तो आज मेरा व्रत कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैं आ गई थी मंदिर। पहले आकर हमारे गांव के मंदिर में दर्शन करके पूजा करके उसके बाद आ गई हूँ जो हमारे पास में एक जगन्नाथ मंदिर है वहाँ, क्योंकि उस मंदिर में मेन चीज़ है इस पूजा में लक्ष्मी माँ का पूजा होता है। तो मैं आ गई लक्ष्मी माँ का पूजा करने के लिए इस मंदिर में। तो आकर पहुँचने गई हूँ और इस पूजा में जो कुछ होता है क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आकर मंदिर में पहुँच गई, मंदिर में पूजा करने के बाद जब घर जाऊंगी वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज क्या क्या हो रहा है घर में। तो शाम के टाइम मंदिर में पूजा नहीं हुआ है क्योंकि पंडित जी आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आगे आकर पूरा मंदिर घूम लिया था और उसके बाद माँ लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए वहाँ चला गया। तो छोटा सा मंदिर है माँ लक्ष्मी का जहाँ पर मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। पूजा करके उसके बाद हम थोड़ा मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे, घूमने के बाद जाएंगे घर। घर जाने के बाद आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि क्या खास चीज़ है। और मंदिर में पूजा हो रहा था, जो भजन कितना चल रहा था वहाँ थोड़ा हम टाइम स्पेंड किए जो कि बहुत अच्छा था। तो मैं मंदिर में पूजा करने के बाद घर आ गई और घर में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कुछ हो रहा है, स्पेशल कुछ बन रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो व्रत कर रही थी 21 शुक्रवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, जो उसमें नियम है कि जब जिस दिन आपका व्रत कंप्लीट हो जाए जिस शुक्रवार को, तो उसमें होता है आपको गांव में आपके आसपास में जो सुहागन औरत हैं तो उनमें से 11 से ऊपर आप सुहागन औरतों को खाना खिलाइए। तो उसके लिए मैं 11 औरतों को बुलाएंगे खाना खिलाने के लिए, तो इसलिए खाना बनाना स्टार्ट हो गया है घर में। अभी मेरी काकी माँ और भाभी खाना बना रहे हैं। और इसमें एक ख़ास चीज़ है, मैं अभी मायके में हूँ, तो मायके में रहने से एक फ़ायदा होता है कि खुद पर कोई काम का प्रेशर नहीं आता। अगर ससुराल माँ होता तो क्या होता ना, एक तो पूजा करो और पूरा जिम्मेदारी लेकर खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है खुद के और मैं पूरा फ्री हूँ आज काम में, मेरा पूरा फ्री। और मैं आ गई हमारी गुड़िया के पास देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। तो खाली खाली बैठने से अच्छा जाकर गुड़िया के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। यहाँ मैं आ गई और वहाँ बाहर खाना बन रहा है, ऑलमोस्ट खाना कम्प्लीट हो गया है। खाने में ज़्यादा कुछ मेनू नहीं है, तो पूरी सब्जी और मिठाई बन रहा है। और यहाँ खाना मेरी काकी माँ पूरी बना रहे हैं और इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद हम बुलाएंगे खाने के लिए। पहले से हम बता दिए थे जो कोई आएंगे खाने के लिए तो उन्हें हम पहले से इनवाइट कर दिए हैं, तो वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो आ जाएंगे खाने के लिए। और यहाँ पूरी बन रहा है,
और मेरी काकीमा और मेरी भाभी लग गए हैं खाना बनाने में है। यहाँ काकीमा पूरी बना रहे हैं और पहले से सब्जी बन के तैयार हो गया है, सब्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और पूरी बनने के बाद तो आप हम लोगों को खाने के पता लिए चल रहा बुलाएंगे। होगा कि मैं व्रत करके भी पूरा कोई थकान नहीं है, क्योंकि पूरा दिन पूरा रेस्ट किया हूँ। और अभी मंदिर से आकर देख रही थी कि खाना कितने पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसे देख रही थी और सब काम कर रहे हैं। और मैं तो पूरा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ हमारे घर के सबके साथ, पूरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। सब उचित तो तो अभी सब आकर पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। तो हमारा सब शुरू हो गया है खाना देना। और इतना है कि इसमें अगर आपके घर में कोई आए खाने के लिए और वो खुश रहे तो आपको आपका व्रत मतलब लगेगा कि हाँ सफल हुआ है। तो हमारे घर में जो भी आए थे खाने के लिए सब खुश थे और मुझे भी लगा कि हाँ मेरा व्रत अच्छे से कंप्लीट हो गया है और सब खुशी खुशी खाना खा कर गए हैं। जो भी सब आए थे हमारे गाँव के मतलब पड़ोसी तो मतलब घर के मेम्बर के जैसे होते हैं और सब खुश थे मेरे लिए, सब आशीर्वाद देकर गए और खाना खाकर मौज मस्ती हुआ था। तुम्हें टी अन्ना होनी तुम मुहटा देखिया दरकार देखा जा दरकार आज आम हो देखा जाए न देखा तो अभी सब खाना खाकर जा चुके हैं और अभी हम बैठ गए हैं घर के फैमिली मेंबर सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और देखिए सबका क्या रिएक्शन है, खाना खाना कम और ज्यादा मस्ती, सबका कुछ ना कुछ कितना मस्ती स्टाइल में खाना खा रहे हैं। सब घर के मेंबर जब बैठते हैं खाने के लिए मिनिमम खाना खत्म होते होते एक घंटा लग जाता है। तो आप लोगों को देखकर पता चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा व्रत अच्छे से बिना बाधा विघ्न के कंप्लीट हो गया है। तो इस व्रत में नियम है कि अगर आपका व्रत अच्छे से कंप्लीट हो और आपका मनोकामना पूरी हो गया है तो आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि वो भी ये व्रत करें और उनका जो कोई इच्छा लेकर व्रत करें तो उनका भी व्रत अच्छे से पूरी हो। तो मेरा व्रत अच्छे से पूरी हो गया है,
जय माँ बेहो लक्ष्मी।